सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था रियलमी के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रियलमी अपना रियलमी का 5i यहाँ पर लेकर के आ रहा है। 6 जनवरी को ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर वियतनाम में लॉन्च हो रहा है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स निकल करके आ चुके हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो स्मार्टफोन है वो एक काफी अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पर निकल करके आने वाला है, और यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, लीक प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो स्मार्टफोन है वो कुछ आपको लगभग 7 से 8 या फिर 9 हज़ार रुपए तक यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। और काफी सारे लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करके बोले हुए थे कि भाई ये काफी अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पर निकल करके आने वाला है, हम यहाँ पर इस स्मार्टफोन का वेट करें, जैसे ही स्मार्टफोन यहाँ पर आएगा हम इस स्मार्टफोन को परचेस कर लेंगे, हम यहाँ पर इस स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं उनके लिए काफी बड़ी बैड न्यूज यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों फाइनली यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो कंफर्म प्राइसिंग है वियतनाम मार्केट के लिए वो यहाँ पर इस स्मार्टफोन की निकल करके आ चुकी है। और यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग जब आप सुनेंगे तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन को परचेज नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग निकल करके आई है वो कुछ यहाँ पर लगभग 13 से 14 हज़ार रुपए यहाँ पर निकल करके आई है। अब यहाँ पर 13 से 14 हज़ार रुपए यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है हमारे पीछे की साइड, यहाँ पर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है, यहाँ पर आपको 4 GB की रैम है, 64 GB स्टोरेज है। वियतनामी मार्केट की जो प्राइस है उस प्राइस से अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं इंडिया की प्राइस तो वो यहाँ पर निकल करके आ रही है लगभग 13 से 14 हज़ार रुपए यहाँ पर इसके स्टार्टिंग वेरिएंट के लिए, जो कि 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ यहाँ पर आता है। तो अगर आप यहाँ पर इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर इस प्राइस पे ये स्मार्टफोन यहाँ पर इंडिया में आता है तो आप इस स्मार्टफोन को परचेज मत करिएगा, क्योंकि ये काफी महंगा स्मार्टफोन यहाँ पर निकल करके आ सकता है अगर इस प्राइसिंग पे यहाँ पर आता है इंडिया में। हालांकि अगर यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग अंडर 10,000 यानी लगभग 8 से 9 या फिर 7 से 8 या फिर 9 हज़ार के बीच में यहाँ पर आती है इंडिया के लिए तो ये काफी बेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पर निकल करके आने वाला है, आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं इस स्मार्टफोन के लिए, काफी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर कमेंट करके बोला था कि हम यहाँ पर इस स्मार्टफोन के लिए रुके हुए हैं और यहाँ पर इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं। फाइनली ये स्मार्टफोन 6 जनवरी को यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, तो उसके बाद मैं आपको सारा चीज इस स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल के बारे में यहाँ पर बता दूंगा कि क्या कुछ यहाँ पर प्राइसिंग रखी गई है और यहाँ पर क्या आपको इस स्मार्टफोन को यहाँ पर परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं डेडिकेटेड वीडियो बना करके फिर से आपको यहाँ पर 6 जनवरी को जो ही स्मार्टफोन लॉन्च होगा मैं आपको तुरंत यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।